दोस्तों, डिफ्रेंशिएबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में, बहुत ही एक्सपेक्टेड टॉपिक है। और इसमें बेसिकली दो फॉर्मूलेज हैं, एक LHD और एक RHD। और एक RHD, इन दोनों फॉर्मूलेज को याद करना बहुत मुश्किल है, और NCERT में जिस तरह से इनको मेंशन करा गया है, फिर तो और मुश्किल हो जाते हैं। भाई, देखते हैं कि इन फॉर्मूलेज को हम बहुत ही आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। देखिए, कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि अगर y इज़ इक्वल्स टू x प्लस टू एक नॉर्मल कोई फंक्शन है मेरे पास, तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर मैं x का बड़ा इनपुट डालूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू, यानी कि फंक्शन जो fx है, उसकी भी बड़ी वैल्यू आने वाली है। यानी कि अगर मैं x प्लस h डालता हूँ तो मेरे पास बड़ी वैल्यू आती है। लेकिन अगर मैं x में x प्लस h की जगह x माइनस h डालता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू ऑब्वियसली छोटी आने वाली है, यानी कि fx की वैल्यू छोटी होने वाली है। तो LHD और RHD के फॉर्मूलेज में इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? तो देखिए, LHD का फॉर्मूला मैंने कैसे याद करा है, मैं उसको लिखता हूँ FA - FA - H/H। देखिए, LHD हमारे दिमाग में आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसमें हमेशा हमें याद रहता है कि A - H तो आने ही वाला है, ए भी आने वाला है, लेकिन कहाँ आने वाला है, कब आने वाला है, साइन कैसा रहेगा। तो सिंपल याद रखिए कि एफ ए में हम जो इनपुट दे रहे हैं वो बड़ा दे रहे हैं, और एफ ए माइनस एच में हम इनपुट छोटा दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमें इस फंक्शन की वैल्यू से छोटी मिलेगी। यानी कि एफ ए जो होगा वो हमेशा एफ ए माइनस एच से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें इनपुट भी बड़ा दे रहे हैं तो आउटपुट भी बड़ा मिलेगा। तो हम हमेशा बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस करेंगे ताकि हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आए और नीचे एच आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। देखिए दोस्तों, राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। सिंपल। अब ऐसा क्यों? देखिए, ये तो हमें याद रहता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे ए को, तो एफ ए प्लस एच आएगा और ए भी आएगा। और जब हम इनपुट बढ़ा देंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी मिलेगी, इनपुट छोटा देंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी छोटी मिलेगी, और हम बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को माइनस करेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला बने RHD का। और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो तो हमेशा साथ में रहेगा ही रहेगा। और मैं बात कर रहा हूँ राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने की, तो सिंपल एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, शायद आपको पता भी हो। ए यहाँ पे लाई करेगा, ए प्लस एच कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और ए माइनस एच यहाँ पे लाई करेगा प्रोवाइडेड एच पॉजिटिव है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते टाइम हम ए को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते टाइम हम ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी से RHD और LHD का फॉर्मूला आप याद रखें, हमेशा याद रहेगा, वरना कन्फ्यूज़ होते रहेंगे बार बार।